दादी ने बताया मुझे। मैंने कहा ना, लेकिन मिनिस्टर साहब के ऑफिस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना उन्हें मिलने की डेट फिक्स हो रही है, ना कोई कॉल आ रहा है। कोई मनी मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, लेकिन तुम जल्दी से जल्दी उनसे बात करो यार। यू नो इट्स वेरी क्रूशियल, और तुमने तो हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया है। मनी प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी उसे उनसे बात करो प्लीज। थैंक्स रमन, प्लीज प्लीज कुछ नहीं बोलना, लड़ना नहीं, मेरी बात सुन लो पहले। पीहू की बात है, पीहू ने अपनी फ्रेंड से उसे शर्त लगाई है कि उसके पापा बेस्ट साउथ इंडियन खाना बना सकते हैं। रमन, आप एक बेटी के लिए परेशान हो, लेकिन यहाँ भी दूसरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मैं कुछ नहीं सुन रही, चलो प्लीज चलो मेरे साथ, चलो अभी बस निकल दिया। क्यों, मतलब क्या रमन, आपको बताया तो मैंने, और बहुत इजी है। सारे वेजिटेबल्स आपको छोटे छोटे काटने हैं, बस प्याज बहुत सारे काटने हैं, 1-1 इंच के डाइसेस करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। आई एम श्योर आप कर लोगे, और जो भी नहीं हो पाएगा वो मिलजुल के करेंगे ना। रमन, जो भी अभी आप कर रहे हो कियारा को दिखाने के लिए कर रहे हो कि हमारे पीहू के जो पंजाबी डैड है वो वर्ल्ड के बेस्ट साउथ इंडियन डैड है। यू आर अ गुड डैड, तो बस हमारे पीहू के स्माइल्स के लिए कर दो आपको जो करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, साउथ इंडियन खाना तो मैं रोज ही बनाता हूँ, डोसा चटनी वगैरह। अच्छा, सांभर में ड्रमस्टिक डालना है? नहीं। ओ, ड्रमस्टिक्स, मुझे तो बड़े पसंद है। पीहू को पसंद नहीं है, पर कियारा के लिए डाल दो, शायद उसको पसंद हो। ठीक है, आई एम श्योर आप तो वैसे भी वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाते हो, तो आज भी वैसे ही बनेगा। अच्छा, वाटर जो है ना, मैं माँ के यहाँ से लेकर आ रही हूँ, तब तक आप एक्टिंग करते रहो। ठीक है, आप बनाओ, मैं आके टेस्ट करती हूँ। मैं अम्मा से मिलकर आती हूँ तब तक। ठीक है, देखो कियारा, अब मेरे पापा कुक करेंगे, देखते हैं टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। रमन, मैं मर गई, क्यों है पुत्र, तू रो क्यों रहा है? नहीं रमा, देखो तो सही क्या कर रहा है। हाय हाय, और तेरी जरूरत क्या थी प्याज व्याज काटने की और खाना पकाने की? नीलू कितने मर गई? दरअसल अरे, नीलू को तो मैंने छुट्टी दी है। आपको पता है ना कि मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, इश्ता की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो ठीक तो है, तो तुझे आज कितने दोपहर में दिने चढ़ा ली? आपने कभी देखा मुझे दिने पीते हुए? बात को समझा कर, पीहू ने अपने दोस्त से कहा है कि उसके पापा बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाते हैं, इसलिए सब कर रहा हूं। अरे मां, क्या है यार, आपको तो पता है ना, आपको मेरे हाथ के वड़े कितने अच्छे लगते हैं। हां हां, तेरे हाथ का ना सांभर भी मुझे बड़ा चंगा लगता है। अच्छा रमन, एंज करी, खाना बन जाए ना तो मैं बुला ली। अच्छा, जरूर। नहीं कुछ नहीं, हल्दी से बहुत जल्दी हील होता है, स्टॉप हो जाएगा इसे। क्या रमन, एक काम करो, आप आराम से जाओ, बैंडेज लगाओ, मैं ना मैं करती हूँ, खाना बनाती हूँ, उन दोनों को समझा दूँ। अरे इससे कुछ नहीं होता है, तुमसे अच्छा खाना बनाते हो तुम जाती हो, देख। हाँ मैं जानती हूँ आप बेस्ट बनाते हो। अच्छा, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या? छोटा छोटा काम मैं कर दूंगी, बड़ा बड़ा काम आप करते रहना, मुझे अच्छा लगता है ना आपकी हेल्प करना। प्लीज प्लीज, ओके आओ, हाथ धो लो, फिर मैं भी हेल्प करूंगी आज। पीहू, मेरे पापा तो मम्मी की कभी हेल्प नहीं करते, कितनी लकी है कि तेरे पेरेंट्स एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। Thank you.
रमन क्या बनाया है आपने? अब से ना रोज आप ही कुकिंग किया करो, एवरी डे। यारा तुम रोज आना, ठीक है? यहाँ का खाना टेस्टी बनाते हैं। पीयू के पापा।